सरकार तो उल्लू बना के सबके पैसे ले रहा है। बहुत ज्यादा ही हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दो रुपए बढ़ते हैं, एक रुपए घट जाता है, रोज का चक्कर चल रहा है। किस तरह की परेशानी से लड़ना पड़ेगा? अरे परेशानी तो बाजार बढ़ता है नहीं यार, बिल्कुल ग्राहक ही नहीं है यहाँ। बहुत ज्यादा ही हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चल रहा है इस गैस के इंक्रीमेंट के वजह से। मोदी जी को हम लोग वोट देते आए हैं इतने दिनों से, बस उनसे यही उम्मीद है कि थोड़ा गैस के दाम का थोड़ा प्राइस कम होना चाहिए, बिकॉज डे टू डे लाइफ में हम लोग जो है गैस का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। सुबह शाम छोटी से छोटी चीज़ में भी गैस का यूज़ होता है, तो उसका दाम थोड़ा सा नहीं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन पिलो पिवोटी लाइन लोग भी गैस यूज कर सके। गैस के दाम बढ़ गए तो सब्सिडी जमा तो हो रही है बैंक में। अच्छा। क्या दाम बढ़ गए? अच्छा। दो रुपए बढ़ते हैं, एक रुपए घट जाता है, रोज का चक्कर चल रहा है। कहाँ महंगाई कम हुई है? कौन सी महंगाई कम हुई है बताइए? हाँ, 1000 रुपए से ज्यादा हो गए तो बताओ। खैर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। किस तरह की परेशानी से लड़ना पड़ेगा? अरे परेशानी तो बाजार बढ़ता है नहीं यार, बिल्कुल ग्राहक ही नहीं है यहाँ। गैस के दाम बढ़ने से सबको प्रॉब्लम होगी, हम लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, जब जो आम लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऊंचे लोगों को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम होगी, गैस के दाम कम हो जाएंगे। कुछ नहीं, वो केवल वो भाषण देना है, बाकी वो बस आम जिंदगी में हम लोग को जैसे उससे और हम लोग को प्रॉब्लम ही खड़ा होना है। जो सबसे बेसिक सबसे पहले तो गैस पे ही आता है ये चीज़, महंगाई को रोकना चाहिए, गैस में दाम कम करने चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम होगी, गैस के दाम कुछ कम नहीं हो रहे हैं, ये सब खाली बकवास हो रहे हैं। कोई सामान पे सस्ता नहीं हो रहा है, सब महंगे होते जा रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी गैस का दाम बढ़ेगा तब तो दिक्कत है, परेशानी। हम लोग के बजट पर असर पड़ता है, सब चीज़ पे असर पड़ता है। सरकार तो उल्लू बना के सबके पैसे ले रहा है। बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दो रुपए बढ़ते हैं, एक रुपए घट जाता है, रोज का चक्कर चल रहा है। किस तरह की परेशानी से लड़ना पड़ेगा? अरे परेशानी तो बाजार बढ़ता है नहीं यार, बिल्कुल ग्राहक ही नहीं है यहाँ। सरकार इतना ना बढ़ा दिए कि एकदम मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। जब भी आते 1000 का नोट निकाल के देना पड़ता है। कुछ नहीं कम हो रहा है, महंगा ही जहाँ तक हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ नहीं कम हो रहा है। क्योंकि मोदी बोले थे वो करना चाहिए था, मगर कर नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है, क्योंकि अगर घर में नहीं है तो किसी और से मांग के लाओ, देना पड़ता है किसी और से मांग के, जब आता है देने के लिए गैस। तो गैस का दाम जो बढ़ा वो तो यूं ही नहीं बढ़ा, आपको जो गैस का दाम बढ़ा उससे तो आपको देश में बहुत सारा काम भी तो हो रहा है, वो काम होगा कैसे? कम से कम तो कुछ तो पैसा कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा परेशानी है, बजट में तो गड़बड़ी होता है, जो कम पैसे वाले के लिए थोड़ा बहुत परेशानी है, जो प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, बच्चा को पढ़ाना है लिखाना है, तो महंगाई है, हम लोग के लिए तो बहुत महंगा ज़्यादा बुझा रहा है। सबसे आर्थिक दिक्कत है हम लोग के लिए, अब बच्चों के पढ़ाना है लिखाना है, बजट में हेरा फेरी हो जाता है थोड़ा सा, ये सब है। नहीं ऐसा तो नहीं लगता है, सबसे पहले हमको गैस के लिए ही पैसा इकट्ठा करके रखना पड़ता है, बाद में अकाउंट में आता है जरूर, लेकिन पहले तो हमको 1000 रुपया रखना ही होता है, सारा खर्च एक साइड गैस के, एक साइड गैस के बिना तो बनेगा नहीं। ये सब सरकार से मांग के गैस की कीमत को कम करें, ताकि मतलब बच्चों के लिए टिफिन लंच वगैरह खाना पीना कम से कम तो ये तो सही ढंग से चले सुचारू रूप से। सीडी भी नहीं मिलता है हमको, तो और परेशानी बढ़ जाएगी। सब्सिडी आपको कब से नहीं मिल रही है? 2 साल से मेरा सब्सिडी खत्म कर दिया गया है। 63 रुपए बढ़ गए, 1000 के पार पहुंच गया गैस के दाम, क्या लगता है? और क्या, अब तो खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब सोचिए बजट में तो बढ़ोतरी हो ही जाएगी, अब बजट में कहाँ आदमी कटौती करेगा, हम लोग आम गृहिणी। मोदी जी ने कहा था गैस के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी, क्या लगता है? मोदी जी के कहने से तो कहा, हम तो हर एक बार देख रहे हैं कि वो गैस का दाम बढ़ते ही जा रहा है, आपका पेट्रोल बढ़ते जा रहा है। सरकार तो उल्लू बना के सबके पैसे ले रहा है। बहुत ज्यादा ही हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। दो रुपए बढ़ते हैं, एक रुपए घट जाता है, रोज का चक्कर चल रहा है। परेशानी तो बाजार बढ़ता है नहीं यार, बिल्कुल ग्राहक ही नहीं है यहाँ। परेशानी तो होवे करेगा गरीब आदमी को, गरीब आदमी को तो परेशानी ना होगा। तो कैसे कैसे परेशानी झेल रही है? कैसे कैसे, पैसा पास में नहीं रहेगा, कहाँ से 1000 रुपया लाएंगे?
कैसे गृहस्थी चलेगी हमको क्या पता, ये तो दिनों दिन सरकार के सब दाम बढ़ाते जा रहे हैं और मैं क्या बोलूं। किस तरह की समस्याएं आप झेल रही हैं? मैं कैसे नहीं झेलूंगी, बाल बच्चे हैं, बड़ बीमारी होता है, एजेड आदमी है, तो महंगाई तो बढ़ते ही जा रही है और मैं क्या बोलूं। मोदी जी ने कहा था महंगाई कम होगी, नहीं नहीं वो तो मोदी जी का खाली बोलने का हो गया, कम नहीं हुआ है। क्या मांग करती है सरकार, सरकार से क्या मांग करती है? क्या करेंगे कि सुरक्षित रहे महिलाएं लोग, उसके बाद फिर अपना दाम आजीब में मिले तो ना आदमी कोई काम करेगा। चाहती है गैस के दाम कम? अब चाहते हैं तो कम करने के लिए कि मरे करेंगे लोग तब ना। रिगार्डिंग एलपीजी इश्यूज, प्राइस राइज इन एलपीजी कनेक्शंस गैसेस, एज वी सी ऑफन एवरी मंथ every after 2 month price of LPG is being increased, it's a bad year, what people will do? हम लोग कर क्या सकते, ये हो क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है, इसको कम करना चाहिए, आम जनता को इससे फ़ायदा मिलेगा, हम लोग को थोड़ा और राहत मिलेगा, हर एक चीज़ में ये चीज़ बढ़ते जा रहा है। LPG खास करके एक वाइब्रेंट टॉपिक आ गया आजकल, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। किस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं LPG के दाम बढ़ने? LPG के दाम बढ़ने से स्वाभाविक है, बाकी चीज़ भी इससे मांगे हो रहा है, बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ रहा है, मेरा जेब का खर्चा बढ़ रहा है, मेरे बाबूजी पैसा नहीं दे पा रहे, दे कांट सर्वाइव मोर, दैट्स ऑल यार, नथिंग टू लेफ्ट। मोदी जी ने कहा था गैस के दाम बढ़ेंगे, दैट वाज जस्ट अ कॉमेंट, रियलिटी इज व्हाट यू ऑल नो, वी नो, यू नो एंड एवरीबॉडी नो हियर। सरकार तो उल्लू बना के सबके पैसे ले रहा है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, दो रुपए बढ़ते हैं, 1 रुपया घट जाता है, रोज का चक्कर चल रहा है, परेशानी तो बाजार बढ़ता है नहीं यार, बिल्कुल ग्राहक ही नहीं है यहाँ, कुल गैस के दाम बढ़ चुके हैं। और इससे मैं सबसे पहले स्टूडेंट होने के नाते पटना में स्थिति बता रहा हूँ कि हम लोग दोस्त जो लोग बैचलर पटना में रह रहे हैं, अपने पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, घर से तो नाप तौल करके पैसे मिलते हैं, उसमें अपने पढ़ाई के पैसे, ट्यूशन के पैसे, उसके बाद एक गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर हम लोगों की जेब पर दुगनी बोझ बढ़ चुकी है। इससे मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि भाई गैस की या तो दाम में कमी की जाए या फिर सब्सिडी बढ़ाया जाए, सब्सिडी हम लोगों के खाते में बढ़ाया जाए ताकि हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। नहीं, हाउस वाइफ को तो प्रॉब्लम है ही, घर का खर्चा बढ़ जाता है उससे हम लोगों का। क्या कहे, सरकार तो उल्लू बना के सबके पैसे ले रहा है, इसलिए कि हम लोग जैसे अब सिपाडी में आ रहा है कहीं 400-500 आता था, लेकिन इन्हें 10-20 रुपया एक वो गैस पर 10 रुपया बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है सोच लीजिए, इतना जो गैस उतरता है एक पर 10-10-10-10 बढ़ ही रहा है हर साल, तो वही है। कैसी कैसी समस्याएं आप झेल रही हैं? हम बहुत समस्या झेल रहे हैं, समस्या कौन झेल रहा है, सबको का तो वही हाल है, हम लोग 10-20 रुपया कमाए वाला आदमी 2-4 रुपया जमा कर करके कोई कोई चीज़ जरूरत पूरा कर रहा है। मोदी जी बोलते थे गैस का दाम कम होगा, महंगाई कम होगा। हाँ, मोदी जी तो बोले कि सब चीज़ का महंगाई कम होगा, लेकिन सब चीज़ और बढ़ ही रहा है। क्या मांग करती है सरकार से? क्या हम लोग तो सोचते हैं कि भाई महंगाई कम हो और सब सुरक्षित से रहे, दाम कम हो, तो इस घुमा फिरा के 10 रुपया बढ़ रहा है, तो एक पर 10 रुपया बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है सोच लीजिए, कि सारा आदमी ले ही रहा है गैस, एक बार में ही 63 रुपये बढ़ गए, एक बार में बताइए तो आदमी कैसे अब झेलेगा। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, सुबह सुबह मामा खाना बनाती है, बहुत मुश्किल से मिलता है हम लोग खाना, गैस का दाम इतना बढ़ने की वजह से हम लोग को कभी कभी खाना भी सुबह में ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता हम लोग को, बहुत सारी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि गैस का दाम थोड़ा कम कर दे। सरकार तो उल्लू बना के सबके पैसे ले रहा है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, दो रुपए बढ़ते हैं, 1 रुपया घट जाता है, रोज का चक्कर चल रहा है। गैस के दाम बढ़ने से सबको प्रॉब्लम होगी, हम लोग को भी प्रॉब्लम होगी, जब आम लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऊंचे लोगों को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम होगी, गैस के दाम कम हो जाएंगे, कुछ नहीं, वो केवल वो भाषण देना है, बाकी वो बस आम जिंदगी में हम लोग को जैसे उससे और हम लोग को प्रॉब्लम ही खड़ा होना है। जो सबसे बेसिक सबसे पहले तो गैस पे ही आता है, ये चीज़ महंगाई को रोकना चाहिए, गैस में दाम कम करने चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम होगी, गैस के दाम कुछ कम नहीं हो रहे हैं, ये सब खाली बकवास हो रहे हैं, कोई सामान पे सस्ता नहीं हो रहा है, सब महंगे होते जा रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी गैस का दाम बढ़ेगा तब तो दिक्कत है, परेशानी, हम लोग के बजट पे असर पड़ता है, सब चीज़ पे असर पड़ता है।